नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के अपडेट में मैं टैंक के जो अपडेट है उसका जो है मैं आज लाइव जो है कि आपको वीडियो कट नहीं होगा उसमें अमोनिया टेस्ट करके बताऊंगा कि अमोनिया जीरो है कि नहीं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अमोनिया कैसे जीरो हो जाएगा, 2.5 या 2.25 रहेगा, लेकिन मैं आपको पूरा जीरो हो गया हमारे टैंक में। और इसमें हाई डेंसिटी में फिश भी पड़ा हुआ है, 1200 लीटर में 150 फिश मैंने डाली हुई है, जिसमें से कि भाई 10 मर गई है। फिश तो मरेगी ही, कोई कुछ भी बोले, कभी कोई बताता नहीं कि फिश मरी है कि नहीं मरी है, लेकिन मेरे टैंक का जो है कि इसमें 150 पीस में तो 10 पीस मर गया है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 20% तक मर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, 20% तो फिश को मरना ही है। तो मैं आपको फ्लॉग भी आज जो है कि कल स्प्राइट का बोतल था तो आज मैं जो है वाइट वाला बोतल लेके आया हूँ, उसमें मैं आपको फ्लॉग मेजर करके दिखाऊंगा कि कितना फ्लॉग है हमारे टैंक में। और मछली एक भी फ्लोट नहीं कर रही है, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। तो सबसे पहले मैं आपको अमोनिया टेस्ट करके दिखा देता हूँ, मैं फ्लॉग मेजर करके जो है कि रखा हुआ हूँ। तो ये हमारा API का अमोनिया टेस्ट किट है और इसमें दो केमिकल आते हैं, ये और ये बहुत ही आसान है मेजर करना, जो लोग जानते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो 5 ml का जो है कि चेक होता है वो मैं जो है कि 2.5 ml का ही चेक करता हूँ, इसमें 4 बूंद ही डालना पड़ता है, इससे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा बच जाता है और ज़्यादा चेक होता है। और जिस दिन दोस्तों आप टैंक लगा लेंगे ना, एक बार सक्सेस फार्मिंग कर लेंगे तो आपको अमोनिया टेस्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी, आपको पानी की क्वालिटी देखकर ही पता चल जाएगा कि अमोनिया जो है कि क्या कंडीशन में है। 1, 2, 3, 4 इतना महंगा अमोनिया किट आता है, अगर हम डेली चेक करेंगे तो कितना पैसा हमारा चला जाएगा ये समझ लीजिए आप। तो इसको थोड़ा समय लगता है, तो इसको मैं इधर दिखाओ भाई, यहाँ पे रख देता हूँ, थोड़ा मेजर होगा। और ये आपको मैं फ्लॉग दिखा देता हूँ, ये देखिए पानी की क्वालिटी कितना साफ है और ये यहाँ तक फ्लॉग है। ये 5 ml का ढक्कन होता है तो इस हिसाब से इसमें केवल लमसम 25 ml फ्लॉक है। और ये इसमें 1 लीटर पानी नहीं है, इसमें मान लीजिए कि 800 ग्राम पानी है तो लगभग 30 ml फ्लॉक बन रहा है। और पानी की क्वालिटी आप देखिए, दिखा था हाथ साफ दिखा देता हूँ, तो ये देखिए एकदम साफ पानी है। इसको मैं टैंक में गिराकर भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से एकदम साफ पानी है और साफ दिखाई दे रहा है ना, दिखा इस साइड ना, और यहाँ पे फ्लॉग दिख रहा है। तो ये मैं आपको जो है कि फ्लॉग दिखा रहा हूँ, कितना मस्त फ्लॉग बैठा हुआ है। और ये फ्लॉग जो है कि लोग बोलते हैं सलाह जी, आप ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा नज़दीक लेके देख लो भाई, नीचे वाला फ्लॉग फ्लॉग होता है भाई, स्लज हरा हरा होता है, ये ध्यान रखिए। और इसमें मैंने मोलेसिस 25 तारीख को डाला था, आज जो है कि 17 तारीख है, तो मतलब 20 से 25 दिन हो गया मैंने मोलेसिस इसमें डाला ही नहीं है, जब से मेरा अमोनिया कम हुआ है उसके बाद से मैंने इसमें मोलेसिस डाला ही नहीं है। तो इधर लाओ के लेके आओ भाई, थोड़ा देखो ये पानी की क्वालिटी कितनी साफ है, ये देखिए पूरा एकदम साफ पानी है, हाथ में देखो, एकदम साफ पानी है। ये देखिए पानी की क्वालिटी और ये आ रहा फ्लॉग आपका, और ये हमारा अमोनिया जो है कि रेडी हो गया है। मैं आपको कार्ड में मेजर करके दिखा देता हूँ,
इसमें दोस्तों दो कार्ड आते हैं, एक साल्ट वाटर का आता है जिसमें आप नमक, तो बायोफ्लॉक में तो नमक पड़ता ही है, और इसमें फ्रेश वाटर का है सादे पानी में, जो जैसे पॉन्ड में कल्चर करते हैं तो उनके लिए है। तो ये हमें साल्ट वाटर वाला लगे क्योंकि इसमें साल्ट पड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिए, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये देखिए पूरा अमोनिया एकदम जीरो है, एकदम जीरो है। ये नीचे का 2.5 है लेकिन उससे मैच नहीं हो रहा है, ये पूरा जीरो ही है। आप ध्यान से देखिए पूरा जीरो ही है। लोग बोलते हैं कि अमोनिया जीरो होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें हाई डेंसिटी में फिश भी पड़ी हुई है। 1200 लीटर में मैंने जो है कि 150 फिश डाली हुई है इसमें, और सब इसमें जो है कि 200 250 ग्राम 300 ग्राम अभी 150 ग्राम ऐसे फिश भी बड़ी हो गई है। और ये टंक दिखाओ, और एक भी फिश कहीं भी फ्लोटिंग नहीं कर रही है। और एरिएशन सिस्टम आपका जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो आपका नाइट्राइट बढ़ेगा, नाइट्राइट बढ़ेगा तो आपको दिक्कत होगा, उससे भी मछलियाँ जो है कि वो भी अमोनिया की तरह घातक होता है, उससे भी मछलियाँ आपकी मर सकती हैं। तो आगे मैं आपको पीएच दिखा देता हूँ कि पीएच का क्या कंडीशन है, और टीडीएस मैंने कितना रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने टैंक से पानी ले लिया है, और इसमें ये टीडीएस मीटर ऑन करके मैं इसमें लगा देता हूँ। थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। और ये मेरा पीएच मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है कि पीएच मीटर को हमेशा से आपको कैलिब्रेट करना ही होता है। अगर पीएच मीटर आप कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। रुको भाई सेट होने दो, थोड़ा सेट होने दो, हम दिखा रहे हैं। ये वाला होल्ड कर लेते हैं, ये हो गया है। कितना है? 1800 टीडीएस है इसका, 1810। आप ध्यान से देखिए टीडीएस आपको मेंटेन करके ही रखना है। 1800 के आसपास अगर आप कैटफिश कर रहे हैं, पंगासिस कर रहे हैं, तो आपको 1800 जो है कि आपको टीडीएस रखना ही है, नहीं तो आपका नाइट्रेट बढ़ेगा, ये ध्यान रखिए आप लोग। ये टीडीएस हो गया, और पीएच थोड़ा सेट होने में समय लगता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी पीएच का कंडीशन क्या है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है बायोफ्लॉक में, आप आसानी से कर सकते हैं भाई, थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको। ये देखिए पीएच स्टेबल हो गया है, ये मेरा 8.3 पीएच है। पीएच कभी बढ़ता नहीं है, जो लोग डराते हैं यूट्यूब पे वीडियो बना बना के कि नहीं पीएच बढ़ जाएगा तो ऐसे मछली मर जाएगी, वैसे मछली मर जाएगी, पीएच बढ़ता नहीं है, पीएच घटता है, कभी भी पीएच नहीं बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। पीएच जब भी होगा, जब पीएच डाउन होगा, और पीएच मीटर को आप कैलिब्रेट जो है कि आपको करना बहुत ज़रूरी है। और पीएच मीटर आप जो है कि इसके लिए जो है कि डीआयोनाइज्ड वाटर आता है कैलिब्रेट करने के लिए, वो मिलता नहीं है मार्केट में, और डिस्टिल वाटर भी नहीं मिलता है जल्दी, तो इसके लिए आप पीएच पेपर का इस्तेमाल करें, उससे जो है कि कैलिब्रेट कर लें, बहुत अच्छी तरह से कैलिब्रेट होता है, हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसमें देखिए ये मैंने थोड़ा सा पानी निकाला था, इसमें कितना फ्लॉक जम गया है, आपके सामने ही टैंक से पानी निकाला था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पानी साफ गिर रहा है, उसके बाद ये देखिए इसमें कितना फ्लॉक जमा हो गया है, मात्र 100 ग्राम पानी में इतना फ्लॉक है, फ्लॉक बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एवर फ्रेश प्रो का ही रिजल्ट है ये। और लोगों को कहने दीजिए, जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, आपको जो करना है वो करिए, प्रैक्टिकल करिए, नहीं तो आप आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से ट्रेनिंग लीजिए। मैंने तो दो दो जगह से ट्रेनिंग ली हुई है, मैंने तो ट्रेनिंग में ही 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर दिया है। और दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा एक सीरीज चालू करूँगा यूट्यूब पर, स्टार्टिंग से आपको क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो, और वहाँ से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक मैं पूरा टोटल जो ट्रेनिंग में सिखाया मैंने, और जो मैं
प्रैक्टिकल थ्योरी करके सीखा है वो सब मैं पूरा एक तरफ से वीडियो बनाऊंगा, सीरीज वीडियो आएगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं कि नहीं हमको ट्रेनिंग वाली वीडियो चाहिए, तो अगर पूरा वीडियो अगर एक तरफ से आप देख लेंगे तो आपको ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप घर पे ही अपने जो आपने आप जो है बायोफ्लॉग चालू कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं बताई जाती हैं, लेकिन अगर मैं शुरू करूँगा तो मैं शुरू से लास्ट तक आपको बता दूँगा। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मेडिसिन क्या लगेगा, बिना बगैर मेडिसिन के वो बायोफ्लॉग होगा ही नहीं, पूरी गारंटी देता हूँ। और मेडिसिन के बारे में आप जो है कि बायोफ्लॉग मेडिसिन आप यूट्यूब पर सर्च करिए, एक भी नहीं आएगा, वो भी आएगा तो प्रोबायोटिक आएगा, जो प्रोबायोटिक यूज होता है नॉर्मली ये सब प्रोबायोटिक दिखाएगा, और मेडिसिन कोई भी नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले अपडेट में मैं आपको इसका जो है कि कैटफिश का जो है हमारा कितना बड़ी हुई है वो जो है कि मैं दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आपके सामने व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जो भी हमसे बन पड़ेगा वो आपकी मदद हम करने के लिए तैयार हैं। तो नमस्कार दोस्तों।